हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक स्नैक रेसिपी। आप इसे चाय के साथ ले सकते हैं या फिर आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हो उस वक्त भी आप इसे ले सकते हो। ये काफी कुरकुरे से बनते हैं। इसकी जो डिजाइन है बहुत ही प्यारी सी है। आप अपने हिसाब से डिजाइन दे सकते हो। आप इसे बच्चों को टिफिन में दे सकते हो और इसे आप अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो एयरटाइट कंटेनर में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आटे से बनने वाली फूल मटरी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे एक कप गेहूं का आटा लेंगे। अब इसमें हम आधा टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे। ये भुना हुआ अजवाइन नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे अजवाइन को हाथों में मसल लीजिए और डाल दीजिए। अब इसमें हम डालने वाले हैं 3 टेबल स्पून हल्का गुनगुना गरम सा घी। अब इसे हम बहुत ही अच्छे से मिला लेना है, इससे मोइन होगा। हम इसे मोइन करेंगे। मोइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे जो मटरी तैयार होती है बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी से बनती है, बहुत ही क्रंची से होती है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से मिलाती रहूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये अच्छे से बन नहीं रहा है। तो अब ये करने वाले हैं कि हम ऊपर से 2 टेबल स्पून और घी डालेंगे। हमें यहाँ पे इसे मसल मसल के मिला लेना है। तो देखिए अब ये बहुत ही अच्छे से बन रहा है, यानी कि ये तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छे से मोइन हो चुका है। तो जब भी आप इसे मोइन करें तो इस तरह से आप चेक कीजिए, इस तरह से आप दबाइए और इसे थोड़ा सा गिरा दीजिए। तो देखिए टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मोइन हो चुका है बहुत अच्छे से। तो ये तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं नमक। यहाँ पे नमक की मात्रा बहुत ही हल्की सी होनी चाहिए। तो अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम आटे को गूंद लेंगे। तो यहाँ पे हम बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हमें इसे गूंद लेना है। हमें यहाँ पे पूरी का आटा जिस तरह से तैयार करते हैं बस वैसा ही तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने आटे को गूंद के तैयार कर लिया है। ये पूरी के आटे की तरह है। इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा चिकना कर लेना है और हमें यहाँ पे इसे गूंद लेना है। तो यहाँ पे आटा बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया है हमने। तो हम यहाँ पे अब थोड़ा सा पोर्शन लेने वाले हैं आटे का, तो हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पेड़ा बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम बेल लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे पतला ही बेलूंगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ना सूखे आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, ना तेल ना घी का, क्योंकि मैंने एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में इसे गूंदा है, तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रोटी को मैंने बेल लिया है। तो मैं यहाँ पे कटर ले रही हूँ। अगर आपके पास कटर नहीं है तो इसी साइज का बॉटल का ढक्कन ले सकते हो। तो इस तरह से हम रख देंगे और हम यहाँ पे इसे काट लेंगे। तो यहाँ पे 4 पूरियाँ तैयार हो चुकी है। तो जो एक्स्ट्रा है वो हम आटे में मिला लेंगे फिर से। तो हम यहाँ पे एक पूरी ले लेंगे। अब जो मेन चीज है वो है प्लकर। ये हेयर प्लकर है। ये आसानी से आपको कॉस्मेटिक की दुकानों में मिल जाती है। लेडीज तो बहुत ही अच्छे से जानती है कि ये क्या चीज है। आईब्रो प्लकर होता है ये न्यू ब्रांड है। आप इस्तेमाल किया हुआ प्लकर ना यूज करें, फ्रेश ही यूज करें। हम इसमें डिजाइन देने वाले हैं। तो देखिए मैं किस तरह से प्लकर को दबा रही हूँ और मैं डिजाइन देती जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक पहला सर्कल तैयार कर लिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो इसका आउटर सर्कल है उसके ऊपर आप ये डिजाइन दे सकते हो और जो बीच में है इसे प्रिक कर सकते हो ताकि ये फूले नहीं, जब आप तलोगे तो ये फूले ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरे पास बहुत ही टाइम है तो मैं ये डिजाइन कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने आपको एक शॉर्ट सोल्यूशन बता दिया है कि किस तरह से कर सकते हो आप। तो एक चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा आपको गोल गोल घुमाना पड़ेगा जो भी आप यूज कर रहे हो, जिसके ऊपर आप ये रख रहे हो। तो बेस्ट चीज ये है कि मैं यहाँ पे प्लास्टिक के ऊपर रख देती हूँ ताकि प्लास्टिक मैं मूव कर सकूँ, ना कि मैं जो पूरा बोर्ड है वो मैं मूव करूँ। तो बस इस तरह से हम दूसरा सर्कल भी करते जाएंगे। अब मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड में बता देती हूँ आपको। तो देखा आपने, बहुत ही आसानी से फास्ट फॉरवर्ड में बन गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है, बहुत ही सिंपल सा है। ये एक बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे, यानी कि जो बाकी के आटा है उसका भी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फूल मटरी तैयार हो चुकी है। ये थोड़ी सी मेहनत वाली होती है, लेकिन इट्स ओके, जब इसका जो एंड रिजल्ट बन के तैयार होता है बहुत ही अच्छा लगता है।
तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से दिख रहा है। और इसमें हल्की हल्की जालियां सी दिख रही हैं, ट्रांसपेरेंट है यानी कि आर पार सी हो चुकी है। जालियों की वजह से ये फूलने वाला है नहीं, मतलब ये जो पूड़ियों की तरह नहीं बनने वाला है। अब हम कर लेते हैं इसे फ्राई। मैंने यहाँ पे पहले ही गैस पे तेल गर्म कर लिया है। आंच को मैंने यहाँ पे मध्यम और तेज के बीच में रखा था, तो आंच को अब मैं यहाँ पे धीमा और मध्यम के बीच में रख दूंगी, नहीं तो ये होगा कि फूल मटरी बहुत ही जल्दी से जल जाएंगी क्योंकि बहुत पतली सी है। तो अब एक एक करके हम ये मटरियाँ डालते जाएंगे। हमें यहाँ पे फूल मटरी को हल्का सा डार्क ब्राउन करना है, आप चाहो तो लाइट ब्राउन भी कर सकते हो। तो फूल मटरी यहाँ पे तल के तैयार हो चुकी है, तो इसे अब हम प्लेट पर निकाल देंगे। और इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हमें इसे तल लेना है। बस यहाँ पे जो आंच है धीमा और मध्यम के बीच में ही रखना है, अगर आप तेज रखोगे तो बहुत ही जल्दी से ये जल जाएगी। तो सारे के सारे यहाँ पे मैंने फूल मटरी तल के तैयार कर ली है। देखिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, कितनी प्यारी सी लग रही है। अगर आप एकदम प्लेन बना दोगे तो इतनी रौनक नहीं आएगी, इतनी उठके नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे तोड़ के दिखा देती हूँ। ये बहुत ही आसानी से टूट गई है, बहुत ही कुरकुरी सी है, बहुत ही क्रंची सी है। तो इसे टेस्ट कर लेते हैं, उसका चेक कर लेते हैं क्रंचीनेस है कि नहीं, ये कुरकुरा है कि नहीं। इसमें जो नमक की मात्रा है बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ज्यादा नमकीन अच्छे भी नहीं लगते हैं। और इसका जो क्रंच है बहुत ही परफेक्ट है। आप इसे आराम से हफ्ते भर स्टोर करके रख सकते हो एयरटाइट कंटेनर में, और आप इसे चाय के साथ खा सकते हो, बच्चों को टिफिन में दे सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की बहुत ही अनोखे तरीके से बनने वाली फूल मटरी की रेसिपी पसंद आई होगी। आप जरूर घर पर ट्राई कीजिएगा और आप अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।